उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की शुचिता के लिए गाजीपुर प्रशासन भी कमर कस चुका है। परीक्षा 23 से 31 अगस्त तक होनी है। परीक्षा दो पाली में होगी। गाजीपुर के लिए कुल 5000 छात्र आवंटित हैं। इनके लिए कुल 12 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पुलिस कप्तान डॉक्टर ई राज राजा 20 अगस्त को निकले। जायजा लेने के बाद पुलिस कप्तान मीडिया से बातचीत किए। इस बार पुलिस भर्ती परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 पांच दिनों में ये रहेगी और टोटल 10 पालियों में ये परीक्षा कराई जाएगी। डेली दो पालियों में परीक्षा होगी। लगभग 5000 परीक्षार्थी जनपद गाजीपुर में इस परीक्षा में अपीयर होंगे, तो पूरी तैयारी है इसकी और उसी के क्रम में विभिन्न केंद्रों को विजिट किया जा रहा है। जो हमारी फाइनल हमारे जो भी टच हैं वो दिए जा रहे हैं। एसपी सिटी साहब इसके नोडल हैं, उनके द्वारा पूरी प्रक्रिया देखी जा रही है और बहुत अच्छी तरीके से इसको सभी चीज़ें संपादित की जा रही हैं। सभी स्कूल मैनेजमेंट और उनसे भी वार्ता की गई है और जो विभिन्न एजेंसीज इसमें शामिल हैं उनसे भी वार्ता करके जो सारी चीज़ें हैं उनको पूर्ण कराया जा रहा है। परीक्षा केंद्र सर कितने बनाए जा रहे हैं सर? टोटल 12 परीक्षा केंद्र हमारे जनपद में और सभी परीक्षा केंद्र हमारे मुख्यालय के समीप ही हैं और बहुत अधिक समय किसी को भी मुश्किल से 15-20 मिनट किसी भी केंद्र पर मुख्यालय से जहाँ पे पेपर रखे जाएंगे ट्रेजरी से पहुँचने में लगेगा। पारदर्शी, नकलविहीन, सुचितापूर्ण, निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए किस तरह की तैयारी? बिल्कुल पूरी तैयारी है। प्रत्येक केंद्र पर और पूरे क्षेत्र में हमारी ड्यूटीज लगाई गई हैं और जो भी संदिग्ध लोग हैं उन पर लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और जो भी ऐसे लोग मिलेंगे उन पर कठोर कार्रवाई इसमें की जाएगी और बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पूरी परीक्षा इसको संपादित कराएंगे। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कितने स्टाफ लगे रहेंगे सर, किस तरह के? हमारा सभी हमारे सीओज रहेंगे और सभी हमारे जो परीक्षा केंद्र हैं उन पर भी पर्याप्त पुलिस बल भारी संख्या में इसमें लगाया गया है। कुछ एक्स्ट्रा क्यूआरटीज भी बनाई गई हैं जो कि जनपद में विभिन्न स्थानों पर खासतौर पर हमारे बॉर्डर के स्थानों पर भ्रमणशील रहेंगी और सभी स्पेशल ड्यूटीज हमारी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, टैक्सी ऑटो स्टैंड्स पर भी लगाई जा रही हैं ताकि वहाँ से जो मूवमेंट है, जो परीक्षार्थी आएंगे उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और उनके लिए फैसिलिटेशन सेंटर्स भी विभिन्न स्थानों पर बनाए गए हैं जहाँ पर पुलिस बल की वहाँ पर मौजूदगी रहे। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सीसीटीवी कैमरे सभी केंद्रों पर लगाए गए हैं और सभी केंद्रों को पूरा हम लोग कवरेज कर रहे हैं, गेट से लेके अंदर परीक्षा केंद्र के अंदर तक और सभी जगह पर जो हमारा जहाँ पर पेपर्स रखे जाएंगे सभी चीज़ें हमारी पूरे कवरेज में है सीसीटीवी के और उसका प्रॉपर बैकअप भी है और सब चीज़ें उसमें अच्छे से कराई जाएंगी।